नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आजकल। मैं हूं आपके साथ अमर शाह और अभी हम मौजूद हैं बागडोगरा से थोड़ी सी दूर आगे बिरसा मुंडा कॉलेज में, जो कि अटल के समीप है। और यहां पे आपको रंगों का त्यौहार मनाने के लिए पूरे जो छात्र हैं वो पूरे रेडी हैं और अपने अपने रंगों में और अपने इस त्यौहार के रंगों में सबको रंगने के लिए रेडी हैं। हालाँकि कोरोना वायरस का कहर पूरे दुनिया के साथ साथ भारत में भी दस्तक दे चुका है और लोगों में अलग अलग जो एडवाइस है जारी कर दी जा रही है कि होली में कोरोना वायरस को लेकर होली ना खेले, ताकि कोरोना वायरस में एक तरह से रोकथाम हो और जो भी गंदगी और जो भी डिसीज इस तरह से फैलती है, ऐसा उनका मानना है। लेकिन उन सभी बातों से दरकिनारा करते हुए यहाँ जो बिरसा मुंडा कॉलेज के जो छात्राएं और यहाँ के जो टीचर्स हैं वो मनाना शुरू कर चुके हैं होली का जो त्यौहार है। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले हमारे यहाँ साथ मौजूद हैं यहाँ बिरसा मुंडा कॉलेज की कल्चरल टीचर जी, तो इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है इनका और किस तरह से इन्होंने इस तरह का आयोजन किया हुआ है? क्या नाम है? मेरा नाम संचिता रॉय है, मैं ये कॉलेज का एजुकेशन डिपार्टमेंट का टीचर हूँ। तो कल्चरल डिपार्टमेंट का मैं थोड़ा सा देखभाल करती हूँ। तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि मैं जब शांति निकेतन में पढ़ाई किया एक स्टूडेंट हुआ का, तो वहाँ पे तो बसंत उत्सव बहुत अच्छे से पालन होता है। तो यहाँ पे सोच रही हूँ कि हम लोग भी थोड़ा सा उसके हिसाब से करेंगे, तो इसलिए हम लोगों का यहाँ पे स्टूडेंट लोगों का ऐसे डांडिया भी खिलाएंगे अभी थोड़ा सा। और कोरोना वायरस का जो आप बोल रहे हैं, कोरोना वायरस का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसलिए हम लोग ज़्यादा होली नहीं खेलेंगे, थोड़ा सा जस्ट नियम पालन करेंगे। यानी कि होली का जो मनोरंजन है, होली का जो वैल्यूज है, उसको आप मनाएंगे, उसको आप स्थापित रखेंगे, उसको कायम रखेंगे। होली का रंग थोड़ा सा खेलेंगे हम लोग, इतना ज़्यादा नहीं खेलेंगे, क्योंकि अभी तो बहुत कोरोना वायरस का वायरस जैसे हो रहा है कि विश्वभारती में अभी उसका कैंसिल हो गया है, तो इसलिए सोच रहे हैं कि जस्ट हम लोग पालन करेंगे, उतना ज़्यादा होली नहीं खेलेंगे, मतलब होली इंजॉय करेंगे। इंजॉय करेंगे हम लोग। तो आपने देखा जो मैडम है, उन्होंने भी कहा कि वो भी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो होली है उसको पालित कर रही हैं। आगे हमारे साथ यहाँ पे और भी लोग हैं यहाँ पे बात करने के लिए, कितने सारे लोग हैं, हम किनसे बातें करें पता नहीं, लेकिन अगर हम बात करने जाएंगे तो बहुत सारा समय लगेगा, इसलिए हम कुछ लोगों को चुनकर ही हम बातें करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ और एक मैडम मौजूद है। मैडम, आपका परिचय? मैं इस कॉलेज में गेस्ट लेक्चरर हूँ, दीपांडिता देव जी। अच्छा मैम, किस तरह से होली को सेलिब्रेट करना चाहिए, क्या लगता है कैसे करना चाहिए? ऐसा सबके लिए बोला जाए तो इस बार के लिए मैं बोलूँगी कि कलर कम यूज़ कीजिए, गुलाल से खेलने की कोशिश कीजिए, लेकिन बहुत ही लिमिटेड, यही बोलना चाहिए। सब कुछ बरकरार रख के छोटे में मज़ा करने की कोशिश करना चाहिए हम सबको। अच्छा मैम, जैसे होली एक रंगों का त्यौहार है, यहाँ पे हंसी खुशी के साथ एक दूसरे के साथ हम हो जाते हैं, उनके साथ रंग में मिलकर अपने आप को भी अपने कल्चर को भी स्थापित करते हैं। ऐसे में बीते दिन कुछ वायरल पोस्ट आई, जैसे कि रविंद्रनाथ जो कॉलेज है वहाँ पे एक बहुत ही विवादजनक तरीके से होली मनाया गया, क्या कहना चाहेंगे उस विषय पर आप? अभी यहाँ पे जब विवाद नहीं है तो हम लोग ये सब डिसाइड रख के अभी जो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं उसको अच्छे से मनाने के लिए मैं बोलूँगी सबको जी। होली अगर हम आप एक शब्द में अगर हम कहना चाहें कि होली किस तरह से मनाना चाहिए, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? होली हो या कोई भी त्यौहार है, जो अपने मन को खुशी देते उसी तरह से मनाना चाहिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अच्छा हमें जानकारी दी और अच्छी तरह से आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। हमारे साथ यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, हम बात करेंगे, हमारे यहाँ एक हिंदी विभाग के शिक्षक हैं, प्रोफेसर जी हैं, उनसे हम बात करें। सर आपका नाम? जी मेरा नाम गोविंद कुमार यादव है। मैं जी, कहाँ से हैं आप? जी मैं खोड़ीवाड़ी से हूँ जी। जैसे कि आपके कॉलेज में आज होली का त्यौहार मनाया जा रहा है, सभी जगह की तरह इस बार इस जगह पे भी मनाया जा रहा है, तो क्या क्या कुछ कहना है एज अ यंग? आप इतने यंग हैं, इतने बड़े पोजीशन पे हैं और जिस तरह से यहाँ पे इतने सारे यंग लोग के साथ आप होली को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे एक मुहिम छेड़े हैं, तो क्या कहना चाहेंगे होली की इस विषय पर? मेरा मानना है ये जो बसंत का उत्सव है, ये बसंत की बहार कम से कम इस विश्वविद्यालय से निकलकर पूरे भारत में फैले। एक जो पूरे विश्व में डर का माहौल बना हुआ है कोरोना वायरस को लेकर, मैं चाहता हूँ कि इस बसंत के उत्सव के साथ, जो बसंत की हम उत्सव यहाँ मना रहे हैं, यहाँ से जो इस महाविद्यालय से बाहर निकले, पूरे विश्व को एक नई खुशी दे। जो एक डर का माहौल है वह डर अब खुशी में बदले, और इसी बसंत के साथ मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया को एक फिर से उम्मीद और खुशी से भर दे। और यह होली का जो त्यौहार मनाएंगे हम, ये तो बसंत के उत्सव से प्रारंभ हो रहा है, और आगे चलकर जो होली रंगों का त्यौहार होगा, तो कम से कम जो अभी एक उदासी और गम का रंग पूरी दुनिया में छाया हुआ है, वह उदासी और गम का रंग कहीं ना कहीं अब इस होली के रंगों के साथ बहुत ही खुशियों वाले रंग के साथ पूरी दुनिया में छाए। मैं इसी उम्मीद के साथ इस त्यौहार को मनाऊंगा। और आपने जब वो मैडम से एक सवाल किया कि जो रविंद्र भारती विश्वविद्यालय में हुआ,
मेरा मानना है कि जो कल्चर है, संस्कृति है हमारी, हमारी संस्कृति को इतना भी आधुनिकता के नाम पर अश्लील ना कर दिया जाए कि कहीं वह रंग फीका पड़ने लगे, आने वाले समय में लोग इसका मजाक उड़ाएं। मेरा कहना है संस्कृति है, परंपराएं हैं, उसको परंपराओं के अनुसार ही मनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और हमें अपने परंपराओं और संस्कृतियों की जड़ से जुड़ा होना चाहिए। यानी कि एक लफ्ज में कहा जाए तो अपनी संस्कृति, अपना विचार, अपना परंपरा, इसको बचाना हमारा ही कर्तव्य है, और इसे हमेशा से महत्वपूर्ण बनाए रखें, ना कि इसे अश्लीलता का रूप दें। जी, तो हमारे साथ यहाँ इस कॉलेज के प्रिंसिपल सर भी मौजूद हैं, और हम उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे सर किस तरह से होली का आयोजन आपके कॉलेज में हुआ और किस तरह से आप इसको समर्थन करते हैं। सब हिंदी इंग्लिश सब भाषा हो गए, मैं बांग्ला। आपने बांग्ला तो बोलते पारें सर। প্রথম কলেজের টিচিং এবং নন টিচিং এবং হচ্ছে আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীদেরকে ধন্যবাদ জানাই, তাদের তাদের উদ্যোগে আজ আমরা বসন্ত উৎসবের এই হোলির যে প্রথম সূচনা বসন্ত উৎসব দিয়ে সেই উৎসবের আয়োজন এত সুন্দরভাবে করা গেছে, তার জন্য আমি আমার টিচিং এবং নন টিচিং এবং হচ্ছে আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তো রবীন্দ্রনাথ শুরু করেছিলেন 1920-এর আশপাশে, যে সারা ভারতবর্ষে বিংশ শতাব্দীতে সারা ভারতবর্ষে যে অস্থিরতা চলছিল সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এটা একটা সম্প্রীতির বার্তা বহন করে, মানুষে মানুষের মধ্যে যে হুলিগান এগুলো যে তৈরি হয়েছিল সেই জায়গা থেকে রবীন্দ্রনাথ চেষ্টা করেছিল যে একটা সম্প্রীতির বার্তা, যেখানে মানুষ মানুষকে ভালোবাসবে, মানুষের মূল্যবোধকে ভালোবাসবে, মানুষের মধ্যে যে মনুষ্যত্ব আছে সেই মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন এই বসন্ত উৎসবের মধ্যে দিয়ে। বসন্ত উৎসব নিয়ে নানা সময় নানাভাবে এর আলোচনা হয়েছে, নানা অ্যাঙ্গেলে নানা এতে আলোচনা হয়েছে, কিন্তু বসন্ত উৎসবটা সাধারণত তার পরিপ্রেক্ষিত যেটা সেটা হচ্ছে যে হোলির প্রথম যে সূচনা, আমরা সব কিছুর আগে একটা আয়োজনের যে আলোচনা করি, আয়োজনের যে একটা বার্তা বহন পৌঁছে দেয় মানুষের কাছে, সেখানটা এই বসন্ত উৎসবের হোলির একটা শুভ সূচনা বলা যেতে পারে। অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার আপ আমাদের সাথে জুড়ে।